इसी में बात करते हैं कि क्लास 12 के एनसीईआरटी के वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो सीबीएसई के लिहाज से बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर जो 9 है पहली एक्सरसाइज का उसको दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए गिवन वैक्टर, यानी कि एक ए वैक्टर दिया गया, एक बी वैक्टर दिया गया, हमें क्या करना है, एक यूनिट वैक्टर निकालना है जो कि ए प्लस बी की डायरेक्शन में हो, ठीक है। हमें एक यूनिट वैक्टर निकालना है जो कि ए प्लस बी की डायरेक्शन में हो, ये हमें पता करना है। ए प्लस बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ए और बी हमें गिवन है, ठीक है। तो इतना हमें पता है। अब देखिए किस तरीके से करा जाएगा, ये इस तरीके से होगा क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ए वेक्टर हमें क्या दिया गया है, ए वेक्टर दिया है 2i - j + 2k, ठीक है। अब बी वेक्टर क्या दिया गया, दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख लीजिए, आई को आई वाले के साथ, बी दिया गया माइनस का आई प्लस का जे और माइनस का के, ये हमें गिवन है। अब हमारे को बोला है कि भाई एक यूनिट वेक्टर निकालो जो कि इन दोनों के जोड़ की डायरेक्शन में हो। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। देखिए एक वेक्टर मान लीजिए ए, इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आई के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, जे के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, तीनों को जोड़ के अंडर रूट ले लो, ये होता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब अगर मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना, तो ए कैप से यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं, उस वेक्टर को जो हमें गिवन वेक्टर था, जो गिवन वेक्टर था उसको अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दिया जाए तो यूनिट वेक्टर आ जाता है, ठीक है। सिंपल ये देख लीजिए, मान लीजिए ये ए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। अब मैं एक वेक्टर निकाल रहा हूँ, सपोज कर लीजिए आर, और आर को मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ कि ए और बी का जोड़ जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो ऐड है वो आर वेक्टर में मान दिया। अभी दोनों का सम कर देंगे यहाँ, तो ए प्लस बी क्या आ गया, देखिए टू में से वन गया तो माइनस का आई, माइनस हुआ तो टू में से वन गया तो आई रह गया, यहाँ माइनस जे प्लस जे कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, यहाँ प्लस का टू के, यहाँ माइनस का के, तो प्लस का के रह गया, तो ये मेरे पास आ गया ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है, जिसको मैंने आर नाम दे दिया। अब क्या है, मैं इस a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मेरे को क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा r वेक्टर का, इसको मैंने r नाम दे दिया, तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकलेगा, i के साथ क्या है, यहाँ i के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ k के साथ क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका अंडर रूट 2, ठीक है। अब r कैप किस तरीके से निकलेगा, भाई जो r वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दीजिए, आपके सामने आपका आंसर होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आए, यूनिट मतलब 1, तो आर वेक्टर ये हमने निकाला था जोड़ करके आई प्लस के कैप, इसको डिवाइड दे देंगे अंडर रूट 2 से, ये मेरे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया जो कि ए प्लस बी की डायरेक्शन में है। तो आई बाय रूट 2 प्लस के बाय रूट 2, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का, वो क्वेश्चन देखते हैं वो क्या बोल रहा है, वो भी पूछा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 नंबर में आना ही आना है, ठीक है, मतलब छोटे प्रश्न में आना है। तो देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन है, ये हमारे को बोला गया कि ये फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर 5i - j + 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8, यानी कि हमें एक वेक्टर दिया गया है, तो उस वेक्टर को मैंने एज्यूम कर लिया ए, ठीक है, ए हमें एक वेक्टर गिवन है, वो क्या है 5i - j + 2k, ये एक ए वेक्टर गिवन है, हमें क्या बोलना है, हमें क्या करना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसका तरीका क्या है, आप पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, उसको 8 से गुणा कर दीजिए, यही है बस। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकलेगा, 5 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, क्योंकि आई के साथ 5 है तो 5 का स्क्वायर, जे के साथ -1 है तो -1 का स्क्वायर, के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो इसको फर्दर सोल्व किया तो क्या आया, यहाँ से 25 आया, यहाँ से 4 आया, 29 हो गया, आ गया 30, यहाँ से आया 30। इसको फर्दर आप डिवाइड करना, थोड़ा फैक्टर करके कुछ निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैसा निकलेगा नहीं, क्योंकि 30 के प्राइम फैक्टर्स होंगे, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 5, तो इसमें से कुछ निकलना नहीं है, ऐसे कैसा अंडर रूट 30 रह गया, ठीक है, अंडर रूट 30 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है, ए ए कैप निकालना, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो यानी कि 1 / √30 5i - j
प्लस टू के, ठीक है। अब ये एक एक है वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन है। नाउ मैंने मान लिया कि एक आर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आठ होगा, तो क्या होगा, एट टाइम्स एक है, बस ये जो वेक्टर हमने निकाला है यूनिट वेक्टर, तो इसका तो मैग्नीट्यूड एक है, वन है, और ये एक ही डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर है, तो इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं आठ से गुणा कर दूंगा तो मेरे को एक ही डायरेक्शन में ही एक वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड आठ होगा। तो आठ गुना ये जो यूनिट वेक्टर है, ये सिंपल आपके सामने फाइव आई माइनस जे प्लस टू के, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हर के साथ आप दिखा सकते हो, एट फाइव द फोर्टी, फोर्टी बाय थर्टी अंडरूट थर्टी आई माइनस एट बाय अंडरूट थर्टी जे प्लस सिक्सटीन के बाय अंडरूट थर्टी। तो ये एक हमने वेक्टर निकाला जिसका मैग्नीट्यूड आठ है और वो एक ही डायरेक्शन में ही है, वेक्टर गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में ही है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, ठीक है। तो दो वेक्टर दिए गए हमारे से, बोला गया कि प्रूव करो ये वेक्टर कोलिनियर है। अब देखो सिंपल सा इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, अगर मान लीजिए एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, अगर दोनों कोलिनियर है, अगर दोनों कोलिनियर है तो एक रिलेशन बनेगा उनमें, ए इज इक्वल टू के टाइम्स बी। बस दोनों वेक्टर में से किसी भी वेक्टर को एक दूसरे के मल्टीपल के तौर पे लिखा जा सकता है, तो यही फंडा है। तो यहाँ से क्या हो गया, मेरे को ए वेक्टर गिवन था टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के, ठीक है, और बी वेक्टर मेरे को क्या गिवन है, बी वेक्टर मेरे को गिवन है माइनस का फोर आई प्लस सिक्स जे माइनस एट के। अगर इस वेक्टर में से मैं बी वेक्टर में से अगर मैं माइनस का टू कॉमन ले लेता हूँ, तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया टू आई प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया था, माइनस थ्री जे और प्लस का फोर के, ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर है, बस मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया है। क्यों, क्योंकि मैं कुछ इस टाइप की फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है, ए प्लस बी लैम्डा की फॉर्म में लिखा हो, है ना, या बी लिखा हो लैम्डा ए की फॉर्म में, यानी कि किसी एक में से कुछ दूसरा कुछ स्केलर कॉमन आएगा, अंदर अंदर जो होगा वो दूसरा वेक्टर होगा। तो आप देख लीजिए ये क्या वेक्टर है, ये ए तो ही है, ए ही वेक्टर है, टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के, टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए मैं लिखता हूँ बी इज इक्वल टू माइनस टू इन टू ए, ठीक है, सो ए एंड बी आर कोलिनियर, इसलिए ए और बी जो है वो कोलिनियर वैक्टर्स है।